कल सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ, आज तेजस्वी यादव की सीबीआई कोर्ट में पेशी। कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले पर सीबीआई ने पूछताछ की और आज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी है। पेशी के लिए पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने आईआरसीटीसी घोटाले में उन्हें आरोपी बनाने को बीजेपी की साजिश करार दिया है। ट्रस्ट वोट के दिन हर जगह रेड पड़ रहे थे, उसी दिन हमने स्पष्ट कर दिया था कि भाई जब तक ये लोग रहेंगे तब तक इसी तरह का काम जो है चलता रहेगा। दरअसल तेजस्वी यादव के खिलाफ अदालत में भ्रष्टाचार का एक मामला चल रहा है जिसमें तेजस्वी यादव जमानत पर बाहर है, लेकिन पिछले दिनों सीबीआई ने तेजस्वी की जमानत को खारिज करने की अदालत से अपील की थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में कोर्ट में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटलों को चलाने का ठेका दिया गया था। इसके बदले में उन्हें पटना के सगुना मोड़ के एरिया में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।